जिसकी इसका स्टाइल लगी है कैसे काट रहा है धान। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और विकास बो रहा है गाजर। हम तो गेटअप ले लिए हैं खेत जाने के लिए, और विकास बो रहा है गाजर। देखते हैं कैसे बोता है गाजर। बस इतना में गाजर बोगे? कहाँ से कहाँ तक? तो ये बीच में सरसों काटोगे का? तो गाइस, ये बो रहा है गाजर। नहीं, ले जाइए घर, घर ले जाइए। हाँ, अरे सही है, ले जाइए घर। अरे नहीं, लौकी कोई नहीं खाता। तो गाइस, वो हमें लौकी दे रहे थे। तो गाइस, अभी विकास बो रहा है गाजर, हम भी थोड़ा करवा देते हैं, उसके बाद चलना है खेत हमें। गाइस, ये कर रहा है अभी अपना काम, खेत वेत कोड़ रहा है, और हम चलते हैं खेत पे और मिलते हैं सीधा खेत पे आपसे, धान काटना है। तो चलिए। A few moments later, गाइस अभी हम काट रहे हैं धान, हालत पंचर हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। सो मिलते हैं सीधा धान वान काट के, देखते हैं कब तक करता है धान। बहुत काम करते हैं। सो गाइस, हम लोग के भैया लोग धान काट रहे हैं, ये देखिए। सो गाइस, मैं और भाई धान काटने में लगे हुए हैं। गाइस, अभी हम लोग काट रहे हैं धान, कब से सुबह से लगे हुए हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं, नहीं दोपहर के बज रहे हैं, 12:40 हो रहा है। सो हम और विकास और गोलू भी आ चुका है खेत पे, और देख रहे हैं उजाला भी इधर लगी हुई है, इधर चाचा भी उधर काट रहे हैं उस धान के उस साइड। सो हम लोग अभी रुके, आप लोग देख सकते हैं मेरे खेतों की दशा, हम लोग धान काट के कितना पूरा खाली कर चुके हैं, और इतना और बचा हुआ है, और चाचा भी काट रहे हैं धान उधर। सभी मिलते हैं हम धान काट के पूरा। तो गाइस, फाइनली मैं धान काट के आ चुका था घर, और मैं अभी आया हूँ घूमने इधर थोड़ा बाहर। सो अभी चलते हैं घर। हम लोग ने धान वान काट लिया था, अभी मिलते हैं सीधा घर मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को घर का सीन क्या होता है। अभी मैं आया इधर घूमने अपने फेवरेट प्लेस पे, तो मिलते हैं। तो गाइस, मैं धान वान काट के आ चुका था फाइनली घर, और मैं नहाया खाना खा के, अभी शाम के बज रहे हैं 4, और मैं आया था इधर थोड़ा सा राइड करने घूमने फिरने। सो सोचा आपसे बात कर लूँ। और गाइस, ये ब्लॉगिंग करते रहो आप ना, तो अभी इधर देहात गांव में लोग आपको ऐसे घूर के देखते हैं जैसे आप कोई क्राइम कर रहे हो, बट कोई नहीं, अच्छा लगता है। सो अभी हम घूम फिर लिए और जा रहे हैं घर। दोनों तरफ पेड़ पौधे और बीच में रोड। सो गाइस, इसलिए मैं आता हूँ उधर घूमने फिरने के लिए। तो गाइस, कल जब मैं राइड कर रहा था तो एक डॉगी को चोट लग गई थी, और वहाँ पे मैंने कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि मैंने वो मेरे बाइक से टक्कर खा के तुरंत गिर गया और तुरंत उठ के चला गया। सो मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, फिर मैंने मैक्सिमम लगभग आधे घंटे बाद ब्लॉगिंग चालू की थी। सो मेरी स्पीड भी यार ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसे चोट नहीं आई थी। सो अभी मैं, ठंड लग रही है तो फटाफट चलता हूँ घर, और मिलता हूँ आप सीधा घर। और गाइस, मुझे ये नहीं समझ आता है कि इधर जो अंदर गांव है वो इधर साइड इस साइड की है, और सो ये लोग पेट्रोल या डीजल कहाँ से लेते होंगे, क्योंकि ये पूरे जमनिया वाले जमनिया से लेके और यहाँ तक टोटल बस 3 ही पेट्रोल पंप है, और दूरी तो काफ़ी है। सो 3-4 पेट्रोल पंप है इसमें। सो गाइस, इधर के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होता था पेट्रोल डीजल लेने में। हम लोग तो घर से निकलो बाहर, डीजल पेट्रोल या कुछ भी कैच करो, कोई दिक्कत नहीं चीज़ों। तो गाइस, अभी मैं चंदौली आ चुका था, और मुझे दो ट्रैवलर मिले हैं, पाँच ही लोग हैं, तो उनको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लोग आ रहे हैं, देखिए गाइस, ये तो गाइस चलते हैं हम लोग। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंचा था घर, और मैंने भी कपड़ा चेंज कर लिया है, और आज धान काटने में गाइस ये हाथ कलाई और ये शोल्डर सा गाइस इतना तेज दर्द कर रहा है ना, मैं क्या बताऊं। अभी मैं चलता हूँ गर्म ऑयल करके इसको मालिश करूँगा, और फिर अपना खाना वाना खा के वही वीडियो एडिट करके सो जाना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा,
सो वीडियो लाइक करना।